the students, they have problem in their hearing and speaking also. How do they communicate? Let us learn the basics of sign language. तो स्टूडेंट्स देखिए ये सुन नहीं सकता, अगर पीछे से अगर हम इसको क्वेश्चन, इफ आई आस्क क्वेश्चंस फ्रॉम बिहाइंड सो सी कैनॉट आंसर. व्हाट इज योर नेम? व्हाट इज योर नेम? नो. नाउ सेम क्वेश्चन इज आस्क फ्रॉम फ्रंट टू फ्रंट. सी फॉलोज माई लिप्स मूवमेंट एंड ऑल्सो सम गेस्चर्स एंड साइंस. व्हाट इज योर नेम? एन G U N C H A Nongecha W A N G S U. This is the English alphabet and spelling of our name. So can you write name? Okay, what class you read in? ऐसे लगता है जो मेरा बात को सुनाई दे रहा है, लेकिन only she is following my lip and some signs and gestures, my actions. Where are you from? Changlang. Okay, now one thing we have to remember while signing something, while signing, we have to keep in mind that this frame should be within this limit, not so down, not so up. So within this frame, signing should be there within this. This is good. Morning. This is the sign of morning. Sun is rising. Good morning. Morning. Afternoon. Good evening. Good evening. Set. And last, good night. This is welcome. Welcome. Yes. Welcome. So we will do once again. Okay, student. The first. What? Sunday. Sunday. Monday. Tuesday. Wednesday. Thursday. Friday. Saturday. For months also we have signs. ऐसा समझ रहा, लेकिन ये blind है, तो ये इसका पूरा आपको दिखाई नहीं दे रहा, तो उसका इशारा भी नहीं दे सकते, पता है, कहीं नहीं पता है, तो अभी इसमें name is what? ये बोल नहीं सकती और ये बोल सकता लेकिन सुन नहीं सकता, तो
कैसे कंडीशन करे. सो दिस इज, क्योंकि जब विजन विजन के लिए तो ठीक है साइलेंस, लेकिन जब वो नहीं देख पाती है तो ठीक है. आप तो बात करते हो ना बिग बैंग नो करके, उन लोग से बात करते हो, कैसे करते हो ये सारा करते. यहाँ पर हम लोग के हैंड्स पे टू हैंड और सिंगल हैंड फिंगर स्पेलिंग होता है. आप वहां पर देख रहे हैं ABCD, दैट इज वन हैंड और ये जो बच्चे यूज करते हैं टू हैंड फिंगर स्पेलिंग. तो एक हैंड से भी आप वो जैसा ऊपर में दिखा रहा है उसको कर सकते हैं और डबल हैंड फिंगर स्पेलिंग आप भी ऐसे कर सकते हैं. तो इस तरह से साइन लैंग्वेज को है. तो हम लोग का ये जो डे था बेसिकली इसी चीज को सबको हाईलाइट करने के लिए था. और बच्चों में ऐसा है कि सिर्फ बोलकर ही नहीं, सिर्फ लिखकर ही नहीं, सिर्फ इशारा से, साइन से नहीं, गेस्चर से नहीं, टोटल कम्युनिकेशन मेथड इज अप्लाई. टोटल कम्युनिकेशन मेथड बच्चों के टीचिंग के लिए यूज किया था, जिसमें हम लोग हियरिंग एड देना, उसको बोलना सिखाना, स्पीच रीडिंग करना, लिप रीडिंग करना, लिखना, रीडिंग करना और प्लस साइन लैंग्वेज यूज करना. सो ऑल व्हेन ऑल आर कंबाइंड फॉर द रिहैबिलिटेशन एजुकेशन फॉर द पर्पस ऑफ दिस हियरिंग इन सोसाइटी, दैट इज कॉल्ड टोटल कम्युनिकेशन मेथड. सो व्हाट वी यूज इन दिस स्कूल टुडे, दिस इज टोटल कम्युनिकेशन मेथड. गुड आफ्टरनून, मैं KR मीना, प्रिंसिपल KV2 ईटानगर. आज के बोनीपोलो स्कूल में हमें आमंत्रित किया गया और यहाँ जो स्पेशल चाइल्ड है उन्होंने कई सारी एक्टिविटीज भी साइन लैंग्वेज डे के उपलक्ष्य में पेश की है. रियली हमारे लिए तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है. और मैं कंपेयर कर रहा था हमारे स्कूल के बच्चों को इनको, मुझे तो कोई डिफरेंसेस नज़र नहीं आया और मैंने तो बहुत एंजॉय भी किया और बहुत यहाँ हमें सीखने को भी मिला है. साइन लैंग्वेज लेकिन काफी रोल प्ले करता है लगता है ना. यस, साइन लैंग्वेज के लिए प्रैक्टिस की जरूरत है और जितनी अच्छी प्रैक्टिस होगी बच्चे उतने अच्छे से ही अपने विचारों को, भावों को एक्सप्रेस कर सकते हैं, जिससे कि सामने वाला समझ सकें. और उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा उनको सिखाने की जरूरत होती है. यहाँ के बच्चों ने जो साइंस प्रेजेंट किए थे रियली फैंटास्टिक थे. ऐसा लग रहा था बच्चे सब तरह के जो साइंस है उनको प्रेजेंट करने में पहले से ही बहुत परफेक्टली उन्होंने जैसे प्रैक्टिस भी किया है. अपने स्कूल से काफ़ी बच्चे लोगों को लेके आया, कुछ सीखने को मिला होगा सर. रियली ये फर्स्ट टाइम है जो मैं बच्चों के साथ में यहाँ आया हूँ. हमारे लगभग 30 स्टूडेंट्स है, उन्होंने इस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट किया है और बच्चों को भी एक अलग चीज़ देखने को मिली, सीखने को मिली है. और वो जा करके वहाँ जब डिस्कस करेंगे कि नहीं, जिनको हम स्पेशल चाइल्ड के रूप में देख रहे हैं वैसा कुछ नहीं है, वो हमसे किसी भी एरिया में कम नहीं है, क्योंकि यहाँ के बच्चे बहुत इंटेलिजेंट, बहुत एक्टिव नजर आ रहे थे. वी हैव स्टार्टेड दिस ईयर फर्स्ट टाइम सेलिब्रेटिंग इट, सो इट्स अ इंटरनेशनल डे फॉर साइन लैंग्वेज. साइन लैंग्वेज इज अ वेरी पेनस्टेकिंगली इट्स अ लैंग्वेज कलेक्टिवली फॉर्म बाय मेनी एजुकेटर्स एंड पीपल हु हैव कंट्रीब्यूटेड टू इट. सो वी हैव अ पॉलिसी ऑफ नाउ टीचिंग sign language also, because previously we are only giving hearing aid and teaching students how to read and write, but now we are also teaching them sign language. So we want to make it more popular to each and everyone, even among other schools also. So we are from Monday, Tuesday, Wednesday, we are going to all 2-3 schools nearby and also to Donjipolo Vidya Bhavan to make aware all the other people also and parents and in the society in general to promote sign language. इसके लिए interpreter का शायद जरूरत पड़ेगा होगा ना? हिंदी में? हाँ, interpreter का शायद जरूरत पड़ेगा होगा tutor के लिए. हाँ, तो हमारे पास काफी हमारा students ही है and also teachers है, तो हम दूसरा school में भेजेगा, हमारा students होगा, teachers होगा, साथ में जाके they will interpret and you know they will try to demonstrate how we can use it in normal people. Maybe we are not able to learn everything. सब कुछ तो सीख नहीं पाएगा, लेकिन basic sign language हम लोग को सबको जानना जरूरी है. कोई भी जगह, hospital में हो गया, workplace में हो गया, कोई post office में हो गया, दफ्तर में हो गया, bank में, 20% of the people in the population have hearing problem and 6% are totally deaf. So there's a large number. So we should, as a society, we should be inclusive also to all the people's needs.